हेलो, जय हिंद, नमस्कार साथियों। तो आप अभी देख सकते हो, ये एक गाय है और इस गाय के पैर में चोट लगी हुई है और बहुत ही भयंकर चोट लगी हुई है। इस पीछे वाले पैर में आप देख सकते हो कितनी भयंकर चोट लगी, कितने कीड़े इसके लग रहे हैं और इसको कोई देखने वाला नहीं है। और मैं अभी इस गाय को, पहले आप देखिए, मासूम सी गाय छोटी, इसके पैर में कितनी चोट लगी हुई है, कीड़े लग रखे हैं पैर में, चलने में इसको बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो रही है, उठने बैठने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और अभी मैं पशु विभाग हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करने वाला हूँ, देखता हूँ गाड़ी आती है या नहीं, जिसका नंबर 1962 जो 2022 में योगी जी ने नई एम्बुलेंसें ख़ास तौर पशु के लिए चलवाई हैं, उसका मैं अभी कॉल करने जा रहा हूँ। मैंने अभी कॉल किया और ये देखिए अनवैलिड नंबर बता रहा है, मैं फिर से कॉल करता हूँ और अभी आप देखिए क्या होता है। यही पशु विभाग का नंबर है जो मुझे एकमात्र नंबर ये पता था जिस पर मैं कॉल कर रहा हूँ। अभी घंटी नहीं जा रही है, निकालेंगे। देखिए अनवैलिड जांच नंबर, करके दो बार देखता मैंने हूँ ट्राई किया, कि सब नहीं गलत से अनवैलिड किया बता हो। रहा है। अभी देखता हूँ क्या होता है। नंबर भी, नंबर जो मैंने अभी डायल किया ये नंबर बिल्कुल सही है और कॉल नहीं लग, अनवैलिड नंबर बोल रहा है। और अभी मैं इसके लिए कुछ करता हूँ भाई, जो मुझसे हो पा रहा है, वैसे जो भी होगा वो मैं भी करता हूँ, कुछ व्यवस्था इसके लिए करता हूँ, कुछ तेल वगैरह इसके डालता हूँ पैर पे। मैंने भी अपने जानवरों को कुछ ये तेल वगैरह डाला, अभी इसके भी डालता हूँ, क्या होता है देखते हैं फिर। तो दोस्तों अभी मैं ये फिनाइल लेके आया हूँ और अपने गाय के हम यही वैसे लगाते हैं, आप ये देख सकते हो अपने घर से लेकर इसमें कीड़े वगैरह छिपे हुए हैं। अभी मैं इसके फिनाइल डालता हूँ, कीड़े वगैरह इससे नहीं लगते हैं कुछ। और ये मैंने इसको पकड़ा था ऐसे ही, ये भाग खड़ी हुई गाय, अभी मैं इसके पीछे पीछे जा रहा हूँ और अभी इसे आगे से अरेस्ट करता हूँ। और ये अरेस्ट कर लिया मैंने इसको यहाँ पे, और अभी इसके फिनाइल डालता हूँ। अब भाई अकेले काबू कर पाना बहुत बड़ी बात है, पर मैंने इसको किसी तरह से काबू कर लिया यहाँ पर। और ये मैंने फिनाइल डाल, ये पैर हटा लिया इसने यहाँ से, और ये पैर हटा रही है क्योंकि इसको लग रहा है पता नहीं क्या लगाने वाले हैं ये मेरे। और देखिए मैंने अब इसने, देखिए आराम से यहाँ पे डलवा ले क्योंकि इसकी मक्खी वगैरह भाग भाई गई। कुछ आराम भी नहीं दे रही है। और ये फिनाइल है रुई से, वैसे मैं लगा नहीं पाता, वैसे कॉटन वाली रुई लेके आता उससे लगा देता, बट अकेले नहीं लगा सकता, अब इसको बहुत ज़्यादा आराम मिलेगी। सुना नहीं पाते वैसे, बोतल ऐसे डाल दिया हमने, यहाँ कई आवारा पशु घूमते रहते हैं ऐसे, हमसे जितना होगा उतना होगा शायद, इसको बहुत आराम मिलेगी इस समय, वैसे कीड़े वगैरह नहीं लगेंगे अब। ठीक है बाय। हमने उस गाय के जो कि खुर में उसके चोट लगी हुई थी उसमें मैंने दवाई लगा दी और अभी कल देखते हैं। मैंने वैसे आज इसको आज ही देखा, अभी तक ये मेरे एरिया में आसपास नहीं थी, मुझे दिखी तो मैंने इसकी चोट पर नज़र डाला। अभी देखते हैं कल क्या होता है, क्या फ़र्क पड़ता है, अभी इधर होगी तो मैं इसकी कल भी कुछ हेल्प करूँगा। लेकिन आप मेरे वीडियो को काफ़ी शेयर कर दीजिए भाई, आप देख रहे हो वीडियो को, आप प्लीज़ शेयर कर दीजिए ताकि मेरा भी हौसला बढ़े हर किसी की मदद करने का। और आप भी जानवर से लेके बूढ़े बुजुर्ग जो भी हो, मदद लायक आपके पास जो भी हो उतनी मदद करना, मेरे पास जो भी जितनी मदद करने की उपस्थित है जो भी, मैं उतनी मदद करता हूँ सबकी, बस ये जानता हूँ मैं। आप भी मदद करिएगा, जितना हो उतनी मदद करिएगा, गरीब से लेके हर व्यक्ति की। और जय हिंद।